बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली, सिस्टर एंड ब्रदर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जो है, आप सबको रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के सगीर और कबीर और गुनाह, जो भी गुनाह है वो माफ़ करे, और जितने भी लोगों की डेथ हुई है अल्लाह ताला उन सब के भी गुनाहों को बख्श दे और उनको आला दर्जात अता फरमा। आमीन सुम आमीन। तो आज हमारी तरफ जो है पहली सहरी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ फर्स्ट सहरी जो है ना वो शेयर की जाए। और मैं जो हूँ आज बनाने लगी थी खजला, क्योंकि खजला जो है हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, चाहे वो खजला हो चाहे वो फैनी हो। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, जब भी सहरी करते हैं उनको खजला ज़रूर चाहिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटे जो हैं, एक 14 इयर्स का है और एक 9 इयर्स का है, तो दोनों जो है वो फास्ट रखते हैं। बड़ा बेटा जब वो 7 इयर्स का था तब से वो फास्ट रख रहा है, और छोटे बेटे ने भी 7 इयर्स की एज से फास्ट रखना शुरू किया और अभी वो 9 इयर्स का है। तो उसने कहा मम्मा मुझे जो है खजला ही खाना है, और मैं भी ज़रूर लाजमी जो है खजला या फेनी जो भी होती है वो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं खजला बना रही थी, तो मैंने जो है मिल्क लिया था, उसको थोड़ा सा लिटिल बिट बॉयल कर किया है, और उसमें मैंने शुगर को ऐड कर दी है। शुगर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्राउन शुगर। और फिर उसके बाद जो है इसको बॉयल आने तक जो है मैं इसमें फिर उसके बाद ऐड कर दूंगी हमारा खजला। सो आप लोग कोशिश करें कि रमज़ान है तो रमज़ानों में जितने भी हो सके इबादत करें। वैसे तो आम डेज में भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि जब हम रमज़ान आते हैं ना तब उसी में बहुत ज़ोर शोर दिखाते हैं कि जी हम रमज़ान में यानी कि इबादत कर रहे हैं या कुरान पाक पढ़ रहे हैं। कुरान पाक भी एक लाजमी हिस्सा है हमारी लाइफ का, क्योंकि वो उतारा इसीलिए गया है कि आप उसको पढ़ो, उसको समझो और उसके ऊपर अमल करो। कुरान पाक में जो है ना, आप लोग हम लोग के ये होता है प्रॉब्लम कि जब भी रमज़ान आते हैं तो हम कहते हैं हम एक कुरान पाक, दो कुरान पाक या तीन कुरान पाक हम ख़त्म करेंगे। तो ऐसा नहीं करें, कोशिश करें कुरान पाक चाहे भले से आपका एक हो चाहे हाफ हो, कुछ कोशिश करें कि उसे ट्रांसलेट यानी तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। मेरा जो है कुरान पाक बहुत मैं यानी कि एक होता है या फिर हाफ होता है कुरान पाक, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको ट्रांसलेट के साथ पढ़ूँ ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जितने भी हैं फैमिली मेम्बर सब अपना एक एक जो है ना वो सब पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से हो जाता है फिनिश दो कुरान पाक। तो लेकिन ये कि ट्रांसलेट जो है ना आप उसके साथ करें। मेरे भी बच्चे जो हैं अगर वो पढ़ते हैं तो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो ट्रांसलेट में करें, क्योंकि बच्चे जो है अगर ट्रांसलेट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगी कि हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ क्या है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटिल बिट इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा और यानी कि बॉयल करूँगी, एंड देन आफ्टर डैट इसको चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर देना, स्टोव को हमने, एंड अब जो है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हमारा खजला। बहुत मज़े का ये होता है, इसका मुझे टेस्ट और इसका टेक्स्चर जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैंने खजले को जो है थोड़ा सा क्रश कर दिया था, क्योंकि इसके चंक्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। और अब मैं इसमें जो है इसको ऐड कर रही हूँ, और इसको ऑलमोस्ट हमने 20-25 मिनट्स के लिए रख देना है इसी तरह से। वैसे तो क्या कहते हैं इसको 20-25 मिनट्स के लिए रखते हैं, लेकिन मैं जो एक तरीके से ये भी बनाती हूँ कि जब ये बॉयल हो रहा होता है ना तो उसी टाइम पे मैं इसको डाल देती हूँ खजले को इसमें, तो वो भी ज़रा थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे पास थोड़ा सा ठंडा खाते, इतना हॉट उनको पसंद नहीं है। तो अब ये जो है क्योंकि हमारी तरफ 4:00 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के, और बच्चे जो है ना 4:30 तक आएंगे ताकि वो सहरी वगैरह करें, तो जब तक जो है ना ये थोड़ा बहुत डिसॉल्व इसका जो भी टेक्सचर है वो हो जाएगा। अब जो है मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पराठा, और पराठे के लिए जो है हमने तवे को जो है ना मैंने पैन लिया है, उसको थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ हमारे फ्रोज़न पराठास, क्योंकि यूजली जो है हम लोग यही पराठे खाते हैं घर में। हमारे पराठे बहुत कम बनते हैं, हम लोग बनाते नहीं हैं, रमज़ानों में ही होता है पराठों का शौक, वरना अदरवाइज़ बेटा जो है ना वो अगर उसके लिए आना होता है तो वो फिर ज़रूर खाता है पराठे। लेकिन आजकल जो है ना हम लोग पराठे, बहुत टाइम हो गया कि हम लोग बहुत टाइम बाद पराठे खा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है पराठा जो है सिर्फ मैं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड और मेरा
छोटा बेटा जो है ना वो खाएगा, शौक से वो खाता है। बड़ा बेटा जो है वो खजला ही खाएगा, क्योंकि उसको पराठा वगैरह जो है ना वो पसंद नहीं है, या तो वो यूजली ब्रेड खाते हैं, लेकिन अभी जो है उसने सिर्फ मुझको बोला कि वो सिर्फ खजला ही खाएगा। और उसके बाद जो है मैंने बनानी है लस्सी, क्योंकि लस्सी मेरे हस्बैंड और वो भी छोटा बेटा ही पीता है, एंड मैं जो हूँ चाय लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि चाय के बगैर आपको पता है पूरा दिन गुजरना है, तो चाय के बगैर तो मेरी आँख ही नहीं खुलती है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक पराठा डन हो गया, मैं बाकी सारे भी बनाना शुरू करती हूँ। सो यहाँ पे सारे पराठास जो है ना वो हमारे डन हो गए हैं, और अब जो है मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया था, और ये मैंने होममेड योगर्ट जो है ना उसी के ज़रिए बनाया है। और डेली जो है ना मेरे घर में योगर्ट वगैरह बनता है, क्योंकि डेली जो है ना यूज़ होता है लस्सी, मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड को पीनी होती है, क्योंकि आपको पता है फिर अगर आप ज़्यादा यानी कि पराठे वगैरह खाएं या फिर साथ में आप सालन वगैरह ले लें तो थोड़ा सा जो है ना आपका चेस्ट बर्न होना लगता है। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर दिया था हमारा कीमा, जो कि भुना हुआ कीमा था, बहुत मज़े का था, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ये सारी प्रिपरेशन हो गई है, ज़्यादा मैंने सहरी का वो नहीं किया, सिर्फ जो जो बच्चों ने खाने थे वही इनके लिए रखा है। सो आज की जो मेरी सहरी की रूटीन थी वो यही थी, एंड आई होप कि आपको मेरी सहरी का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियोज़ को मिस आउट ना कर सकें। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आप जो है कोशिश करें कि इस रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये मंथ ईयर में एक ही दफ़ा आता है, और अल्लाह ताला आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर हमें ये मंथ देखना नसीब करे ना करे। बस कोशिश करें कि रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर जाए, सबको माफ़ करें, अपने दिलों को साफ़ करें, और हर एक की खुशियों में खुश रहें। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।